वो देखा, वो कविता है कि गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। ये एक संदेश है सभी पुलिस वालों के लिए कि बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, अगर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी, घुटने भी ना जुड़ना चाहिए, हो कदम बराबर सधे हुए, हो आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए, चौड़ी छाती ऊंचे ललाट भी यह सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी पहचान नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक जिम्मेदारी भी है, मैं चाहता हूँ ये हमारे पुलिस भाइयों तक पहुँचे, पहुँचती रहती है आपके माध्यम से तो ज़्यादा पहुँचेगी, कि क्या सोचा तुमने, क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर ये उपकार किया, क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई, क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया, इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम पर, तुमको इसका भान नहीं, तुम पहुँच सको आसून के, जो दीनहीन हैं, शोषित हैं, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं, इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुष्य करने को काम बड़ा भेजा, मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। ने लिखा था कि यह तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है, यह नहीं सुलभ होता सबको केवल तुझ पर आरोहित है, यह राज चिन्ह सम्मान महज तुझ पर ही क्यों हर्षाता है, क्या सोचा तुमने ये सबकी किस्मत में क्यों ना आता है, कहता है भागवत सुन सैनिक इस राज चिन्ह का सार बड़ा, यह राज चिन्ह देता हमको जन रक्षण का अधिकार बड़ा, अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तू रात रात भर जगता है तब देश चैन से सोता है, त्यौहार जलाता है सैनिक तब दिए सभी के जलते हैं, तजता है जब खुशियाँ अपनी तब ईद मुहर्रम पलते हैं, हाँ गर्वित हैं, अभिमानी हैं हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, इस मातृभूमि की सेवा का सबको अभिमान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी पड़ता।